हेलो दोस्तों, मदन बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको लेडीज़ पैंट की स्टिचिंग करना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों अगर आज आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमने पैंट की कटिंग कर दी थी पहले वाली वीडियो में, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लें। और दोस्तों एक कटिंग वाली वीडियो में एक डाउट रह गया था थोड़ा, यहाँ पे कट लगाया था मैंने एक, और एक मैंने यहाँ पे लगाया था, तो वो थोड़ी दिक्कत आ गई थी वीडियो में, इसलिए वो उसमें आया नहीं। तो दोस्तों पहले ये हमारा बैक का आसन है, पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों ये मैंने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है, ये हमारी 8 इंच एक सूत, ये हमारा चौथा हिस्सा हो गया कमर का, 32.5 की हमारी कमर थी। और दोस्तों ये मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था दबाव का, तो दोस्तों जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो 1/2 इंच हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा दबाव में चला जाएगा और 1/2 इंच यहाँ पे दबाव में चला जाएगा, तो ये 1 इंच यहाँ पे एडजस्ट हो गया और जो बाकी का 1.5 इंच बचा दोस्तों वो यहाँ पे प्लेट आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी फ्लाई का कपड़ा है और ये हमारा फ्रंट का और बैक का, जिसमें इलास्टिक लगेगी और बेल्ट लगेगी और ये जेब है, हम इसको साइड में रख देते हैं पहले। दोस्तों ये हमारा फ्रंट का कपड़ा, पहले हम इसको उठा के एक साइड में रख देंगे। और ये बैक है जो हमारी, ये हमारा बैक का आसन है, पहले हम इस पर सिलाई लगाएंगे। दोस्तों आराम आराम से सिलाई लगाएंगे, दोस्तों ये कपड़ा मिला के चलेंगे यहाँ से, जैसे ये इधर उधर हो गया। यहाँ पे पक्का करेंगे दोस्तों, अब इसको ऐसे ही घुमा देंगे यहाँ से और एक सिलाई और लगाएंगे इसके ऊपर, डबल सिलाई कर देंगे। दोस्तों ये हमारी सिलाई लग गई है, अब इसको हम एक साइड में रख देंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये हमारा फ्रंट है, अब दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे प्लेटों के निशान लगाए थे 1.5 इंच के, हम बीच वाले इसको उठाएंगे ऐसे, और ये जो हमारे कट है ये साइड में लगे हुए हैं, इनको हम मिला के ऐसे, और जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था यहाँ तक सिलाई लगाएंगे तिरछी, ये देखिए दोस्तों ऐसे। ये दोस्तों हमारी प्लेट हो गई है, ये देखिए इस पर थोड़ा नाखून लगा लेंगे ऐसे, ये प्लेट हमारी कुछ ऐसे दिखेगी दोस्तों। अब दोस्तों हम दूसरा हिस्सा लेंगे, इसको भी ऐसे उठाएंगे, बीच वाले कट है जो उसको, और इसको ऐसे पकड़ेंगे और अपने कटों को मिलाते हुए। और दोस्तों आप इसको नाप कर भी लगा सकते हो, जैसे ये हमारी ये 0.5 इंच है, ठीक है, तो ऐसे नाप कर भी आप लगा सकते हो। देखिए दोस्तों इस पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, नीचे तक यहाँ तक पक्का कर लेंगे और इसको उतार देंगे। तो ये हमने यहाँ पे नाखून लगा के इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हम ये फ्रंट पल्ला उठाएंगे सुलटी साइड वाला, यहाँ पे हम जेब लगाएंगे, ये देखिए जो हमने यहाँ से गोलाई ली हुई है इसको हम नीचे की साइड करेंगे ऐसे, ये हमारी सुलटी साइड है फ्रंट की, इसको हम ऐसे रख देंगे इसके ऊपर और फिर इसको हम पलट देंगे। अब दोस्तों इसको हम ऐसे रखेंगे, हम इसको बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं करेंगे, हम इसके साथ ऐसे नहीं, जैसी हमारी इसकी शेप है ऐसे ही हम इसको रखेंगे जेब पर, ये देखिए ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पे हम ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाएंगे एक, और नीचे 5.25 या 5.5 इंच की हम जेब रखेंगे, इसका मुंह रखेंगे जेब का खुला हुआ। तो दोस्तों पहले हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ से और जो ये हमने निशान लगाया था 5.25 या 5.5 इंच पर, हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे पक्का करेंगे और उतार देंगे। और दोस्तों ये धागे हैं जो, इनको हम साफ़ कर देंगे। और जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था सिलाई, जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है सिलाई तक एक हम यहाँ पे कट लगाएंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए इसमें। ये देखिए ऐसे, और नीचे भी हम ऐसे ही लगाएंगे। ये देखिए, अब दोस्तों इसको हम ऐसे खोल लेंगे कपड़े को, और इस पर थोड़ा नाखून लगाएंगे, और ये वाले जो ऊपर का कपड़ा है इसको हम ऐसे बाहर करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए कुछ ऐसे दिखेगा ये। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे एक पैर की। इसको हम पकड़ेंगे, ये नीचे वाला जो जोड़ है ये बाहर नहीं दिखना चाहिए, और यहाँ तक लगाएंगे एक सिलाई। धागों को हम काट देंगे। अब दोस्तों इसको हम उल्टा करेंगे ऐसे, और इसको जेब को ऐसे लेंगे हम ऐसे, इसको मिलाएंगे जेब को नीचे से, और एक सिलाई लगा देंगे हम इस पर। ये देखिए ऐसे यहाँ पे पक्का करेंगे, धागों को हम साफ कर देंगे। दोस्तों इसको हम पलटेंगे यहाँ पे ऐसे, इसमें उंगली लगा के, और इसको ऐसे पलट देंगे कैंची की सहायता से, थोड़ा हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। अब हम इस पर किनारे की सिलाई लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए इसको ऐसे बराबर करते जाएंगे हम। अब इसको हम जेब को ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए इनको हम मिलाएंगे अच्छी तरह से, सेट करना पड़ेगा ये दोस्तों। ये देखिए हमारी जेब सेट हो गई दोस्तों। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे इसको रोकने के लिए जेब को। ये देखिए एक सिलाई हमने नीचे लगाई। अब ये हमारा जो मुंह है इससे ऊपर ऐसे एक सिलाई यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लाके इसको ऐसे घुमा देंगे। और ये जो हमारी प्लेट है इसको हम ऐसे करेंगे, ये देखिए, और एक सिलाई इस पर लगा देंगे हम। देखिए अब दोस्तों जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए फ्रंट वाला जो हिस्सा हमारा उसके बराबर हम इसको कपड़े को काट देंगे। अब ये जो हमारा ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है इसको भी हम फ्रंट वाले पल्ले से काट देंगे। यहाँ पे नीचे भी हम इसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये जेब हमारी कुछ ऐसे दिखेगी। ये देखिए ये जेब हमारी यहाँ तक है। आप इसमें आसानी से कुछ भी फ़ोन वगैरह पैसे वगैरह कुछ भी डाल सकते हो दोस्तों। तो अब हम इसको ऐसे रखेंगे, और जो हमारा दूसरा फ्रंट वाला पल्ला है उसको उठाएंगे और ऐसे आसन से आसन की साइड से ऐसे मिला देंगे। अब एक सिलाई हम इस पे लगाएंगे। इसको ऐसे बराबर करेंगे। और इसको ऐसे पलट देंगे दोस्तों। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब ये कुछ ऐसे दिखेगा।
ये हमने फ्रंट का आसन जोड़ दिया है दोनों पल्ले। अब हम इसको ऐसे रखेंगे फ्रंट को, और जो हमारी बैक में हमने जो सिलाई लगाई थी आसन वाली उसको हम ऐसे खोलेंगे, उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ होगी, और इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे साइड में। ये देखिए, अब दोस्तों यहाँ से ऊपर से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, यहाँ पे हमारी चैन लगेगी दोस्तों। अब हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, इसको ऊपर ऐसे ही खुला छोड़ देंगे इसको हम। इसको हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे, ये देखिए। अब इसको हम पल्ले को ऐसे पकड़ेंगे और इसको बराबर करेंगे यहाँ से, ये देखिए, और इसको बीच में ऐसे पकड़ेंगे। अगर ये छोटा बड़ा हो तो आप इसको सेट करें अच्छी तरह से। ऐसे सिलाई लगाते चले जाएंगे, ये हमारे जो कट है कट से कट मिलाकर नीचे तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे पक्का करेंगे और मशीन को उतार देंगे। अब हम इसको धागों को साफ करेंगे दोस्तों। अब ये जो हमारी सिलाई लगी हुई है, हम इसको एक पल्ले को उठाएंगे ऐसे और इसको ऐसे खोलेंगे, और इसको हम नाखून लगाएंगे ऐसे थोड़ा नीचे तक, ऐसे इसको हम खोल देंगे, ये देखिए ऐसे। अब दोस्तों हमने जो फ्लाई कटिंग की थी वो फ्लाई लेंगे, ये देखिए ये फ्लाई हमारी अब यहाँ पे काम आएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारी चैन लगेगी। तो एक फ्लाई उठाएंगे हम और इसको ऐसे रखेंगे नीचे वाली साइड पे, ये हमारी बैक है, बैक को हम ऐसे कर देंगे, और ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है, इस पर हम ऐसे रखेंगे ये फ्लाई एक, ये देखिए, और एक सिलाई इस पर हम लगाएंगे ऐसे। और दोस्तों ये हम इसको ऐसे रखेंगे, हम इसको सिलाई में ऐसे नहीं दाबेंगे, ये एक साइड हम इसको ऐसे रखेंगे, ये देखिए, इसको हम ऐसे इधर रखेंगे, ये सिलाई में नहीं दबाएंगे, और जो ये हमारा ये पल्ला है इस पर हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये देखिए ये हमारा एक पल्ला इधर आ गया, इस पर सिलाई नहीं है, ये उस साइड पे सिलाई आई है। अब इस पर हम नाखून लगाएंगे ऐसे। अब दोस्तों इसको हम इतना मोड़ेंगे, ये देखिए 1/2 इंच से एक सूत ज़्यादा, और एक सिलाई हम इसके कोने पर लगाएंगे ऐसे, जो हमने कपड़ा मोड़ा है यहाँ पे फ्लाई वाला, एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे कोने पर इसके, देखिए, और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो हम इसको इधर कर देंगे और यहाँ से सिलाई उतार देंगे, देखिए। अब दोस्तों इसको हम ऐसे पलटेंगे, और जो ये हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा हम इसको कटिंग करेंगे, सावधानी से कटिंग करनी है दोस्तों, ये कटिंग करते दफ़ा कहीं आप इसको ना काट दो। तो दोस्तों देखिए ऐसे करेंगे, मैं दूसरी साइड से दिखा देता हूँ, ये देखिए इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पे कैंची लगाएंगे, इसको ऐसे ध्यान से, दूसरे कपड़े पर कैंची ना जाए आपकी, ये देखिए। अब दोस्तों इसको ऐसे मोड़ेंगे हम, मैं चैन ले लेता हूँ दोस्तों इसकी। तो दोस्तों ये हमने चैन ले ली है, देखिए आप पहले चैन को ऐसे चलाकर देख ले, कई बार चैन ख़राब भी आ जाती है। तो दोस्तों हम चैन को ऐसे रखेंगे, और ये हमने जो ये फ्लाई लगाई थी इसको हम अंदर की तरफ करेंगे, ये बाहर नहीं दिखनी चाहिए ऐसे, ये अंदर की तरफ ऐसे होनी चाहिए दोस्तों ऐसे। अब दोस्तों
ये हमारा लॉक लगा हुआ है, ये लोहे का होता है, अगर आपने इस मशीन में इसको लगा दिया तो ये आपकी सुई टूट सकती है। तो इससे हम इतने ऊपर इसको लगाएंगे, जो हमने यहाँ पे फ्लाई लगाई थी इसको ऐसे, देखिए ऐसे, और ये जो हमारी चैन है ये इतनी, ये पूरी ढकनी है हमें ऐसे, देखिए। अब दोस्तों ये हमारी दूसरी साइड की जो चैन है यहाँ पे ऐसे मशीन को चढ़ाएंगे ऐसे, और इस पर एक सिलाई लगाएंगे, और ये जो हमारी ये बीच में जो दिख रही है चैन जहाँ से हमारा लॉक चलता है, इसको हम पूरी को ढकेंगे ऐसे। ये देखिए यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, और इसको फिर हम ऐसे घुमा देंगे, देखिए। और ये जो हमारा कपड़ा है ये दूसरी साइड का, हम इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे, और यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे दूसरे कपड़े तक, ये देखिए। अब दोस्तों ये हमारा कपड़ा है जो हम इसको इतना मोड़ेंगे, देखिए, और इसके बराबर बराबर रखेंगे, ये जो हमारी उभरी हुई चैन है बीच वाली, इसके साइड में ऐसे रखेंगे हम यहाँ पे ऐसे, और एक सिलाई हम इसकी किनारे पर लगाएंगे ऐसे। इसको मोड़ेंगे ऐसे, और इसको इस साइड में करेंगे, और किनारे की सिलाई लगाते चले जाएंगे दोस्तों, ये देखिए। और यहाँ तक आकर हम इसको उतार देंगे मशीन को। तो दोस्तों ये हमारी सिलाई लग गई है। अब दोस्तों ये हमारी जो दूसरी फ्लाई है, हम इसको ऐसे लेंगे, और इसको हम 1.25 इंच के करीब ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे। और दोस्तों एक सिलाई हम यहाँ पे एक पैर की लगाएंगे, ये देखिए। अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे करीब 1 इंच की, देखिए सीधी सिलाई लगानी है बिल्कुल, ये देखिए हमारी सिलाई कुछ ऐसे दिखेगी दोस्तों। अब इसको हम ऐसे रखेंगे, और ये जो हमने चैन लगाई थी इसको हम यहाँ से ऐसे रखेंगे, ये देखिए, ये जो कपड़ा है इससे हम इधर रखेंगे चैन। एक बार देख लेंगे अच्छी तरह हमारे कपड़ा सही लगा है या नहीं। अब इसको दोस्तों हम ये जो नीचे वाली सिलाई है यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, ये देखिए ऐसे पक्का करेंगे यहाँ पे। इसको हम ऐसे मिलाते चले जाएंगे, जो हमारा कपड़ा है जो हमने यहाँ से फोल्ड किया था ऐसे, और इस कपड़े को हम ऐसे उठाएंगे, और एक किनारे की सिलाई लगाएंगे ऊपर तक, यहाँ पर आकर हम उतार देंगे मशीन को, देखिए। ये देखिए दोस्तों हमारी चैन लग गई है, ये हमारी फ्लाई दोनों लग गई है। अब दोस्तों जो हमने यहाँ नीचे कपड़ा लगाया था हम इसको फोल्ड करेंगे, ये देखिए, ये हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है यहाँ पे, अब इसको हम ऐसे एक बार फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर दूसरी बार ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए जो हमारा ये कपड़ा है इस पर हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ऐसे इसको हम एक तरफ करके, और जो हमारी चैन है उसके चैन के एक हिस्से पर हमारी सिलाई आएगी, ये देखिए इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस कपड़े को हम यहाँ तक ऐसे रखेंगे, और नीचे तक सिलाई लगाएंगे, ये देखिए हमारी नीचे से कुछ ऐसी दिखेगी, और ऊपर हमारी ऐसे। अब दोस्तों हम इसको खोलेंगे चैन को यहाँ से पकड़कर ऐसे, पहले हम इसको एक्स्ट्रा जो हमारी चैन है हम इसको कटिंग कर देंगे।
अब इसको दूसरे हिस्से पर रखकर हम इसको भी इसके बराबर कटिंग कर देंगे। देखिए अब पहले दोस्तों हम इस पर इंटरलॉक कर लेंगे जो हमारे ये हमने जोड़े, मैंने इसको इंटरलॉक कर लिया है। अब दोस्तों ये देखिए, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा 17 इंच आ रहा है, यहाँ पे हमारा 1/2 इंच दबाव में चला जाएगा दोस्तों, ये 16.25 के करीब रहेगा। दोस्तों हम इसकी बेल्ट लगाएंगे यहाँ पे, ये हमारा फ्रंट वाला पीस है जो हमने कटिंग किया था दोस्तों। ये है पेस्टिंग बोलते हैं इसको, ये जेंट्स जो पैंट होती हैं उसमें भी लगती है ये ऊपर, तो ये हम इसके बराबर कटिंग करेंगे। ये दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये साइनिंग दिख रही है ना, जो ये नीचे की साइड रखेंगे हम, ये चिपकने वाली होती है। इसको देखिए, पहले हम कपड़े पर ऐसे प्रेस कर लेंगे और फिर इसको इतना कपड़ा छोड़कर हम चिपका देंगे इसको। देखिए अब इसको हम फोल्ड करेंगे कपड़े को ऐसे, ये देखिए ये फोल्ड कर दिया हमने कपड़ा। अब दोस्तों इसको ऐसे घुमाएंगे और इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फोल्ड हो गया है। अब दोस्तों ये हमने फोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों जितना हमने हमें बेल्ट वो चढ़ानी है ऊपर, उतना हम दबाव लेंगे, इतना 1/2 इंच के करीब लेंगे और उसको बाकी कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए अब दोस्तों मशीन पर चलते हैं। अब दोस्तों ये हमारी बेल्ट है जो हमारी फ्रंट में लगेगी, हम इसको ऐसे रखेंगे ऐसे, ये हमारा उल्टी साइड है, ये हमारी नीचे जाएगी ऐसे, और ये हमारा जो हमने दबाव कटिंग किया था उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब दोस्तों हमारा जो फ्रंट पल्ला है, ये हमारा फ्रंट पल्ला है, हम ये यहाँ पे रखेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पे। अब हम इसको बेल्ट को चढ़ाएंगे, 1/2 इंच का हम दबाव इसमें पूरे में देंगे। देखिए इसको ऐसे चढ़ाते चले जाएंगे। देखिए ये हमारी जो प्लेट है, हम इसको इस साइड में करेंगे दोस्तों। यहीं से हम सिलाई उतारेंगे। देखिए अब दोस्तों इसको हम ऐसे पलटेंगे और इसके बेल्ट के किनारे पर हम एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये देखिए लास्ट तक हम सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब जो ये कपड़ा आ गया है इसको हम ऐसे अंदर की तरफ मोड़ेंगे और इसके ऊपर बेल्ट ऐसे रखेंगे और इस पर भी एक सिलाई लगा देंगे यहाँ तक। ये देखिए अब एक हम यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे इधर, ये देखिए यहाँ पे। यहाँ तक मशीन उतार देंगे अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम इसको बराबर कर देंगे। ये देखिए अब दोस्तों ये हमने जो चैन लगाई थी इसको हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बेल्ट वाला, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे इसके बराबर कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए ऐसे हो जाएगी ये। अब हम हुक लेंगे दोस्तों,
ये हमारे ऊपर दोस्तों। अब हम ये साइड ये पिन उठाएंगे ऐसे वाली, ये देखिए ऐसे वाली, ये हमारा हुक है। अब दोस्तों हम इसको यहाँ पर लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में, ये देखिए करीब दो सूत का गैप होना चाहिए यहाँ से, जहाँ से हमने ये मोड़ा था उससे दो सूत अंदर की तरफ ऐसे, और बीच में सेंटर में लगाएंगे बिल्कुल इसके बेल्ट के। अब इसको हम ऐसे लगाएंगे और इसको हम प्रेस कर देंगे तो ये हमारी अंदर की तरफ ऐसे पिन निकलाएंगे। अब दोस्तों ये हम इसके एक अंदर लगेगी पिन, ये वाली पत्ती ये हम इसमें डालेंगे ऐसे, और इसको ऐसे रखेंगे और कैची की मदद से हम इन पिनों को ऐसे दबाएंगे। मैं दूसरी कैची ले लेता हूँ, ये देखिए। आप और भी कुछ ले सकते हो, कोई छोटी या थोड़ी वगैरह हो या कोई और लोहे की चीज़ हो। देखिए ये हमारा हुक लग गया है। अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और हमें दोस्तों करीब इतना मोड़ना है ये, तो हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। करीब 2 इंच के करीब, 2 या 2.25 इंच के करीब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसके हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ पे हम मशीन उतार देंगे। देखिए इसको हम यहाँ से उतार देंगे, यहाँ पे पक्का करेंगे। देखिए अब ये जो धागे हैं हम इनको कटिंग कर देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा एक हुक लग गया है। अब दोस्तों हम इसको ऐसे रखेंगे, इसको हम चैन को ऐसे रखेंगे, और जहाँ पे हमारी ये बेल्ट आई हुई है हम इसका एक निशान लगा लेंगे उसके बराबर, ये देखिए। अब यहाँ पे हमारा दूसरा कपड़ा लगेगा जिसमें हम लास्टिक लगाएंगे। दोस्तों ये पट्टी मैंने पहले ही काट ली थी, ये 4.25 इंच चौड़ी है दोस्तों, और हम इसको नाप के और इससे हम 5 या 6 इंच या 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं कपड़ा। मैंने ये पहले ही कटिंग कर दिया था, ये मैंने आपको दिखाया भी था। अब दोस्तों इसको हम ऐसे रखेंगे उल्टी साइड ऊपर की तरफ करके, ये बैक की, और इसको ऐसे रखेंगे। और दोस्तों इसको हम ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे और हम इसको सिलाई लगाएंगे। एक देखिए इसको कपड़े को ऐसे मोड़ेंगे यहाँ पे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। देखिए अब इसको हम थोड़ा इसको कपड़े को ऐसे घुमा लेंगे हल्का, हाँ, और इसको फिर हम ऐसे लगाएंगे सिलाई। देखिए ये देखिए अब हम ये दबाव देख लेंगे, हम जो निशान लगाया था वहीं से हम उतनी दूरी पर हम उसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे निशान लगाया था, यहीं से सिलाई हमारी आ गई। अब हम इसको कपड़े को ऐसे ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पे एक किनारे की सिलाई लगा देंगे। देखिए ऐसे किनारे की सिलाई हम लास्ट तक लगा देंगे, ये हमारी सिलाई लग गई है। अब ये जो कपड़ा है हम इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे दोस्तों, देखिए इतना जितना हमने दबाव लिया था इसमें उतना ही फोल्ड करेंगे और एक सिलाई यहाँ तक इससे भी लगा लेंगे। ये देखो अब हम इसको ऐसे करेंगे सीधा। अब दोस्तों हम इसमें लास्टिक लगाएंगे, तो लास्टिक अभी बता रहा हूँ मैं कैसे लगेगी।
तो दोस्तों ये हमारी इलास्टिक है। दोस्तों इलास्टिक जब भी आप लगाओ तो पहले उसको देख लो वो ज़्यादा लूज़ है या टाइट है। अगर वो लूज़ दिख रही है आपको तो आप जैसे ये हमारी 32 इंच की कमर है तो 32.5 में से हम 5 इंच कम करेंगे तो हमारा 27.5 इंच आता है। अब दोस्तों हम 27.5 इंच का हाफ लगाएंगे इलास्टिक। पहले हम दोस्तों इसको ऐसे रखेंगे यहाँ पे, इसको मैं कटिंग करके सीधा कर देता हूँ। ये देखिए इसको पहले हम यहाँ पे रखेंगे और ये जहाँ पे हमारी चैन आ रही है हम एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमारी 32.5 इंच की कमर है, हम उसमें से 5 इंच से माइनस करेंगे तो हमारी 27.5 इंच आ रही है। 27.5 इंच का हाफ होता है 14.25 इंच, तो हम यहाँ पे 14.14 इंच पर एक निशान लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे हमारा दबाव में जाएगा तो हम 14.25 इंच पर निशान लगाएंगे एक। अब इसको कटिंग नहीं करना दोस्तों, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और जो ये हमारा कपड़ा है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इसको अंदर करेंगे ऐसे, और ये देखिए एक सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके और यहाँ तक लाकर किनारे तक इस ऐसे, और इसको ऐसे घुमा देंगे। अब देखिए दोस्तों जो हमारी ये सिलाई है हमें इसको इलास्टिक को इससे अंदर रखना है, इससे बाहर ऐसे नहीं निकालना, इसको ऐसे रखना है। ये हमारी सिलाई हल्की सी, ये देखिए हल्की सी इतनी दिखे बस। अब इसको कपड़े को हम ऐसे लेंगे और हम इसको जो हमारी इलास्टिक है इससे हम हल्का सा बाहर निकालेंगे दोस्तों। अब ये हम सिलाई लगा रहे हैं जो हमारी ये इलास्टिक पर नहीं आनी चाहिए, हमारी कपड़े पर आनी चाहिए जो कि इलास्टिक से अंदर बाहर की तरफ होगी। ये देखिए मैं अभी लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अब ये जो मैंने सिलाई मारी है ये इलास्टिक से इधर लगी है ना कि इधर। ये देखिए ऐसे इलास्टिक लगानी है ऐसे, इसको ऐसे कपड़े को पकड़ना है, इसको ऐसे मोड़ना है, और ये हमारी जो इलास्टिक है इससे बाहर की तरफ ऐसे रखना है, और हम किनारे की सिलाई लगाएंगे ऐसे। इलास्टिक पर हमारी सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, देखिए ये देखिए ऐसे लगेगी। हम ऐसे रखेंगे इलास्टिक को, इसको ऐसे मोड़ेंगे यहाँ पर, फिर ऐसे लगाएंगे सिलाई, फिर इलास्टिक ऐसे रखेंगे और इसको कपड़े को हम मोड़ते चले जाएंगे। देखिए ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे सिलाई लगाते चले जाएंगे। देखिए ये यहाँ पे लास्ट में आ गया। अब यहाँ से अब हम दोस्तों सिलाई उतार देंगे। ये देखिए दोस्तों इसको हम लास्ट को ऐसे लेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। अब दोस्तों हम यहाँ से पकड़ेंगे इस हिस्से को और इसको हम ऐसे खींचेंगे इलास्टिक को। ये देखिए दोस्तों ये हमारा निशान आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था यहाँ से कटिंग करेंगे इसको। मैं इलास्टिक को रख देता हूँ। अब इसको हम जो ये हमारा नीचे वाला कपड़ा इसके बराबर करेंगे इलास्टिक को। ये देखिए यहाँ पे हो गया हमारे बराबर। अब एक सिलाई हम इस पे लगा देंगे दोस्तों। अब इस कपड़े को हम एक्स्ट्रा को निकाल देंगे। ये देखिए ये हमारी इलास्टिक लग गई है। अब हम इसको ऐसे दूसरी साइड से पकड़ेंगे।
ये देखिए जहाँ हमारी जेब लगी थी उस साइड को पकड़ेंगे और ये इलास्टिक का जो हमारा एंड है इसको ऐसे मिलाएंगे यहाँ तक। अब हम इसको साइड को जोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। अब दोस्तों ये हमारी जो जेब है ये हमारी सिलाई में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारी जेब का मुँह बंद हो जाएगा। तो हम इसको हल्का सा इसको ऐसे ऐसे इसको खींच के रखेंगे हल्का सा। ये देखिए हम यहाँ पे मिला के इसको यहाँ पे जहाँ जेब का मुँह था ऊपर से वहाँ से हम पक्का कर देंगे ऐसे। अब इसको हम ऐसे मिलाएंगे और इस को कपड़े को थोड़ा खींचेंगे तो ये हल्का सा इधर की तरफ सरकाएगा उसको। ये देखिए अब हम इसके सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ नीचे जो हमारा मुँह था उसको भी हम पक्का करेंगे जेब का। अब दोस्तों हम इसको मिलाते हुए नीचे तक सिलाई लगाएंगे। इसको हम कपड़े को पहले देखेंगे, मिलाएंगे ऐसे और इसको नीचे तक सिलाई लगाएंगे इसमें। ये देखिए अब इसको धागे को काट देंगे। ये देखिए दोस्तों अब मैं पहले इसको इंटरलॉक कर लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने इंटरलॉक कर लिए यहाँ पे। अब दोस्तों हम इसको धागे को काट देता हूँ। अब इसको हम यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे दोस्तों और इसको ऐसे खींचेंगे। ये देखिए अब ये हमारी इलास्टिक और कपड़ा हर एक जगह से बराबर से सेट हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए कहीं भी कम ज़्यादा नहीं रहेगा। ये देखिए ऐसे खींचो ऐसे। अब दोस्तों ये हमारा कपड़ा बिल्कुल सेट हो गया है, हर एक जगह बराबर है। अब दोस्तों हम इसको ऐसे लेंगे कपड़े को, जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको ऐसे मोड़ेंगे और इस पर एक किनारे की सिलाई लगाएंगे हम ऐसे। ये देखिए यहाँ पे सिलाई उतार देंगे। अब हम यहाँ से एक सिलाई स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे और इसको पीछे इसको ऐसे पकड़ेंगे और हम कहीं से भी पकड़ लो आप प्लास्टिक को ऐसे। ये देखिए और उसको ऐसे खींच लो और बीचों बीच एक प्लास्टिक के हम सिलाई लगाएंगे। इसको फिर ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे खींच देंगे और बीच में से एक सिलाई लगाएंगे। फिर इसको लेंगे ऐसे, इसको खींच देंगे। ये देखिए अब ये जो नीचे वाला कपड़ा है हम इसको लास्टिक की तरफ ऐसे मोड़ेंगे दोस्तों और इसको ऐसे खींचेंगे। अब ये लास्टिक है जो हमारी, हम यहाँ से इसको ऐसे मोड़ेंगे और नीचे तक थोड़ी सी एक सिलाई लगाएंगे जहाँ हमने इलास्टिक चढ़ाई थी यहाँ तक। अब इसको ऐसे घुमा देंगे और यहाँ पे पक्का करके एक यहाँ पे उतार देंगे सिलाई को। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों हमारी इलास्टिक और बेल्ट हमारी बिल्कुल बराबर है, कोई छोटी बड़ी भी नहीं है ये देखिए। और हमारा कपड़ा भी बिल्कुल एक समान हर एक जगह सेट हो गया है। अब ये धागे जो हम इनको काटेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक आई लगाएंगे, जो ये हुक है जो उसमें सेट होगा वो वाली आई लगाएंगे। ये देखिए ये वाली, ये देखिए ये वाली आई लगाएंगे हम। इसको यहाँ जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी ऊपर चैन की सीध में, हम इससे दो सूत अंदर बाहर की तरफ ऐसे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम बीच में बिल्कुल ये आई लगा देंगे ऐसे। इसको ऐसे लगाएंगे और इसको प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ ऐसे निकल जाएंगे। ये देखिए अब इसको हम ऐसे रखेंगे और ये छोटे वाली जो पिन है ये हम इसमें डाल देंगे। अब मैं कैंची की सहायता से इसको ऐसे मोड़ दूंगा। ये देखिए, ये देखिए अब मैं इसको ऐसे फोल्ड करके और ये जो हमारी ये सिलाई है इससे हम
इतना कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे हम जो हमारा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, देखिए, और इसको हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए, अब इसको हम करीब इतना मोड़ेंगे, ये देखिए यहाँ पे मोड़ के इसको ऐसे, और जो ये मान हमारी सिलाई है ये आई से इधर इतना मोड़ेंगे, ये देखिए, देखिए। अब यहाँ से जो हमने सिलाई लगाई थी इलास्टिक चढ़ाती दफ़ा, हम इसको इसके बराबर ला के और यहाँ से एक सिलाई ऐसे नीचे की तरफ लेके आएंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे यहाँ पे से, और यहाँ पे हम पक्का करके सिलाई को उतार देंगे। देखिए, ये हमने धागा कटिंग कर दिया, ये देखिए दोस्तों, अब ये हमारा हुक है और ये हमारी आई होगी। ये देखिए, देखिए हमारी चैन भी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गई है, ये देखिए। तो दोस्तों, ये हमने हुक आई भी लगा दिए हैं। अब दोस्तों, हम नीचे से इसको पहले प्रेस करेंगे यहाँ से साइड से, और इसको हम फोल्ड करेंगे दोस्तों नीचे मोरी को ऐसे। तो दोस्तों, ये हमारी नीचे की मोरी है, हम इसको ऐसे रखेंगे, और पहले जो हमने नीचे सिलाई लगाई थी इसको हम प्रेस से साफ़ करेंगे बिल्कुल। ये देखिए, अब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, ये देखिए, और ये जो हमारा कपड़ा है, ये हमारा जो हमारा बड़ा पल्ला है उसकी तरफ ऐसे मोड़ेंगे। अब ये जो हमने कट लगाए थे दोस्तों, इस कट से और उस कट तक हम इसको ऐसे रख देंगे और प्रेस लगाएंगे इस पर। दोस्तों, इससे थोड़ी सफाई आती है, नहीं तो वैसे भी मैं सिलाई लगा लेता बगैर प्रेस के, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी था ये, इससे थोड़ी अच्छी तरह सफाई आती है। अब दोस्तों, आप जितना भी मोड़ना चाहते हो आप निशान लगा के इसको मोड़ सकते हो, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे हम यहाँ से 2 इंच मोड़ना चाहते हैं तो मैं 2 इंच पर ऐसे निशान लगाऊंगा, यहाँ पे एक निशान मैं यहाँ पे लगा दूंगा, एक यहाँ पे बीच में लगा दूंगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा और एक यहाँ पे लगा दूंगा। अब दोस्तों, इन निशानों पर से ऐसे हम पकड़ेंगे, ये देखिए, और इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे कपड़े को, ये देखिए, और प्रेस से हम अच्छी तरह इस पर लगा देंगे, इसको भी ऐसे ही पकड़ेंगे और ऐसे मोड़ देंगे। ये देखिए, अब दोस्तों, दूसरी साइड के पल्ले को भी मैं ऐसे ही मोड़ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम मशीन पे चलेंगे। तो दोस्तों, हमने ये मोरी मोड़ ली है, हम इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे किनारे की सिलाई रखेंगे, ये देखिए, इसको हम एक्स्ट्रा कपड़े को हम छटाई कर देंगे दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, एक मोरी हमने जोड़ दी है और दूसरी मोरी को भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब इसको कपड़े को हम ऐसे कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा को। अब दोस्तों, हम इसको जोड़ेंगे, ये देखिए, इसको एक मोरी को हम ऐसे रखेंगे, देखिए, और करीब आधा इंच का दबाव लेते हुए हम इसको ऊपर तक जोड़ेंगे। देखिए, इसको हम मिलाएंगे ऐसे यहाँ पे आसन के दोनों सिलाइयों को, और इसको ऐसे देखेंगे, कोई छोटा बड़ा तो नहीं है, और इसको बीच से पकड़ेंगे ऐसे दोस्तों, ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे इसको, फिर ऐसे यहाँ से मिलाएंगे। देखिए, इसको आसन को मिलाएंगे, ये एक सिलाई हम इधर की तरफ करेंगे और एक सिलाई को हम इधर कर देंगे।
या आप इधर एक को इधर कर सकते हो और एक को इधर कर सकते हो ऐसे। दोस्तों इसको ऐसे मिलाएंगे हम और बीच से पकड़ेंगे यहाँ से और ऐसे सिलाई लगाएंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इसको देखिए। अब दोस्तों हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे एक देखिए, इसको ऐसे पकड़ेंगे पीछे की तरफ और ऐसे सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों ये हमारा आसन आ गया। अब हम यहाँ पे थोड़ा पक्का करेंगे ऐसे एक दो बार और फिर हम सिलाई लगा देंगे नीचे तक। ये देखिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब करें। ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।